हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस त्रिपाठी आपके सामने उपस्थित हूँ। तारीफ नए आइए स्वागत करते हैं। पहली, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं मैथ में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। ब्याज क्या कहलाता है? इट इज एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इन लियू ऑफ मनी यूज्ड बाय हिम। इंटरेस्ट वह मनी या वह पैसे होते जो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति जैसे मनी लेंडर मीन्स साहूकार आदि लोगों से लिए जाता है और उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा जो पैसे दिए जाते हैं वो इंटरेस्ट या ब्याज कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल। द मनी बोरोड बाय और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम। वह मनी या वह धन, वह पैसे जो हम किसी व्यक्ति से या साहूकार से उधार ले रहे हैं वह हमारा प्रिंसिपल या वो हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अमाउंट। अमाउंट मीन्स टोटल मनी अर्थात मिश्र धन। द टोटल मनी रिटर्न टू द लेंडर इज कॉल्ड द अमाउंट। अब हमने जो जमींदार या जो साहूकार से जो पैसे लिए थे हम अपना उसको पैसे भी लौटाएंगे प्लस उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसे जो ब्याज या इंटरेस्ट कहलाता है वह भी लौटाएंगे, तो दोनों को मिलाकर जो पूरा अमाउंट होता है वो मूलधन कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। अब आता है रेट, को हिंदी में बोलते हैं दर। रेट क्या कहलाती है? द इंटरेस्ट इज पेड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर विच इज टर्म एज द रेट पर यूनिट ऑफ द प्रिंसिपल। दैट मीन्स जो हमने जमींदार या किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं उन पैसों को हम कुछ परसेंट की दर पर लौटाते हैं, तो जो परसेंट या जितने परसेंट का वह हमसे ब्याज ले रहा है वह उसकी दर या उसका रेट कहलाता है। नेक्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू द लोन पीरियड देन इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। द ओरिजिनल प्रिंसिपल रिमेन द प्रिंसिपल फॉर एवरी ईयर। यदि हम जो प्रिंसिपल या जो पैसे मूलधन किसी से ले रहे हैं अगर उस पर एक निरंतर रूप से ब्याज लगता रहता है, चाहे वो हम एक साल के लिए लें, दो साल के लिए लें या पाँच साल के लिए, उस पर एक निरंतर रूप से ब्याज लगता रहता है तो वह उसका सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कहलाता है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले, व्हाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड बिटवीन टू डेट्स द डे ऑन विच द मनी इज बोरोड इज नॉट काउंटेड फॉर इंटरेस्ट बट द डे ऑन विच द मनी इज रिटर्न इज काउंटेड। का मतलब क्या होगा? जब हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो जिस दिन हमने पैसे लिए हैं वह दिन ब्याज में नहीं गिना जाएगा, लेकिन जिस दिन हम पैसे लौटाते हैं वह इंटरेस्ट के टाइम पीरियड में वह दिन गिना जाएगा। दूसरा पॉइंट है टू कन्वर्ट नंबर ऑफ डेज इनटू ईयर। अगर हमें नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या को ईयर या वर्ष में चेंज करना है, वी डिवाइड द नंबर ऑफ डेज बाय 365। हम दिनों की संख्या को 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए हम उसको 365 से डिवाइड करते हैं। इफ द ईयर अंडर कंसीडर्ड इज अ लीप ईयर, अगर वह लीप ईयर में है तो। अब आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। हमें इसका अमाउंट भी निकालना है प्लस इंटरेस्ट भी निकालना है।
सबसे पहले नोट करते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल रुपीज 1200। प्रिंसिपल के बाद आपको क्या दिया गया है, रेट। रेट दिया है आपको 12% पर एनम। फिर आपको दिया है टाइम, टाइम इज 3 ईयर। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टी प्रिंसिपल हो जाता है, आर रेट और टी होता है टाइम। उसको कैलकुलेट करने के लिए राइट करेंगे प्रिंसिपल 1200 इंटू रेट 12% इंटू टाइम 3 ईयर अपॉन 100। 120 से 20 कैंसिल हो जाए, 12 12 144, और 144 को मल्टी करेंगे 3 से। 3 4 12 2 carry 1, 3 4 12 2 13 कैरी 1, 3 1 3 1 4, 432 रुपीज। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरी कंडीशन, फाइंड द अमाउंट आल्सो। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है रुपीज 1200 प्लस इंटरेस्ट आया आपका 432। टोटल करेंगे 2361 रुपीज 1632। ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 1500 एट द 7% पर एनम 8 ईयर 1 ईयर 8 मंथ। फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 1500। प्रिंसिपल इज इक्वल रुपीज 1500। देन रेट इज इक्वल 7%। टाइम 1 ईयर 8 मंथ। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले हमें इसका फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 1500 इंटू रेट 7। अब टाइम आपको दिया है 1 ईयर 8 मंथ, टाइम आपको एक्यूरेट नहीं दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे 1 ईयर 8 मंथ, 8 1 साल में 12 महीने हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 8/12। इसको काटेंगे तो 4 से 4 2 8 और 4 3 12, दैट मीन्स बनेगा ये पूरा 3 1 3 और 2 5/3 ईयर। आइए कैलकुलेट करते हैं 5/3 अंडर 100। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 5 times 5 7 35, 35 into 5 5 5 25 carry 2 5 3 15 और 2 17। ये आ गया इंटरेस्ट 175। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मीन्स प्रिंसिपल इज 1500 प्लस इंटरेस्ट 175 एंड टोटल इज 5761।
1675 केस का अमाउंट आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। थ्री यह रहा आपके इसकी, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5400 एट द रेट 9.12% पर एनम फॉर ईयर 2.5 ईयर। सबसे पहले राइट करेंगे प्रिंसिपल रुपीज, यहाँ पर राइट कर सकते हैं प्रिंसिपल इक्वल रुपीज 5400, देन रेट 9.12%, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 9 to 18 upon 19% एंड टाइम इक्वल 2.5 ईयर, 2.5 ईयर दैट मीन्स द 4.15 upon 2 ईयर। अमाउंट फाइंड करने के लिए, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला राइट करेंगे एस आई इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल 5400 इंटू रेट 19 upon 2 इंटू टाइम 5 upon 2 अंडर 100। यहाँ पे 20 से 20 हो जाएंगे। अब इस 2 से हम 54 को काउंट काट करेंगे तो 2 2 4 2 7 14। अब कैलकुलेट करना है हमें किसको, 27 into 19 into 5 upon, आइए कैलकुलेट करते हैं सबको। सबको कैलकुलेट करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रुपीज 128.50। ये आपका आंसर आ जाएगा 1282.50। ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट कर देता हूँ, आंसर होगा रुपीज 1282.50। इसमें हमें ओनली इंटरेस्ट ही फाइंड करना था कि हम इसमें अमाउंट फाइंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पार्ट सम ऑफ मनी लेंट आउट फॉर 7.12% सिंपल इंटरेस्ट वुड प्रोड्यूस रुपीज 300 एज द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, व्हाट सम ऑफ मनी। इसमें हमें प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल इक्वल क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, रेट इक्वल 7 whole 1/2% दैट मीन्स 7 2 14 15 upon 2% प्रोड्यूस इंटरेस्ट, ऐसा ही आपको दिया है रुपीज 300 और टाइम दिया है आपको 2। प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला राइट करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल एस आई इंटू 100 अपॉन 8 इंटू टाइम। आइए कैलकुलेट करते हैं, एस आई 300 इंटू 100 ऑन रेट 15, ये 2 पर चला जाएगा, टू टाइम 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये कट जाएगा 20 बार और 20 का मल्टी 100 से होगा तो आ जाएगा 2000। हमारा प्रिंसिपल आएगा वो आ जाएगा 2000 रुपीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इन हाउ मच टाइम फिल दिस 4000 अमाउंट 4800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितना रुपया या रुपया 4000
किस वर्ष या कितने समय में 8% की दर से 4,800 रुपये हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको दिया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है आपको 4,000, 4,000 रुपये। ये अमाउंट कितना हो गया, 4,800। रेट आपको दिया है 8%। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई इज इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, 4,800 माइनस 4,000 जो एस आई आ जाएगा आएगा ₹800। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू रेट। एस आई आया है 800 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 4,000 इंटू रेट 8%। 1 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस 0 से ये 0 हो जाएगा, 8 से 80 जाएगा 10 बार, 2 से न बचा 10/4, दैट मीन्स 5/2 या 2 होल 1/2 ईयर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपके ऊपर, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹750 फॉर 2 ईयर विल द सेम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,600 फॉर 1.5 ईयर एट 6% पर एनम। आइए देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल इक्वल ₹2,600, टाइम 1.5 मीन्स 3/2 ईयर्स, रेट 6%, सबसे पहले हम इसका एस आई फाइंड आउट करेंगे। एस आई इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 1,600, रेट 6% इंटू टाइम 3/2 अंडर में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 से हम 26 को कैंसिल करेंगे 18 बार। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब आंसर आ जाएगा हमारा ₹234। ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹750 फॉर 2 ईयर्स विल द सेम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इक्वल 750, टाइम 2 ईयर, इंटरेस्ट रिमेन सेम इक्वल ₹230। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट परसेंट। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एस आई इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। एस आई 234 इंटू 100 प्रिंसिपल 750 इंटू टाइम 2 ईयर,
वन जीरो से वन जीरो कैंसिल हो जाएगा, टू से ये क्रॉस हो जाएगा फाइव टाइम, ये कट जाएगा 15 टाइम। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब आंसर आ जाएगा हमारा 15.6%, ये रेट परसेंट हो जाएगा 6%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 6,500 इन 5 ईयर एंड अमाउंट टू 7,500 इन 7 ईयर, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। आपको इसमें प्रिंसिपल भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी निकालना है। सबसे पहले देखेंगे अमाउंट, अमाउंट फीस 6,500 इन 5 ईयर, अनदर अमाउंट रुपीज 7,500 इन 7 ईयर। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें क्या जाएगा 0001 इज इन, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है 1,000 रुपये अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो वन ईयर का 1,000 अपॉन That means 500। अब हम इन दोनों में से किसी एक साल का, चाहे हम 5 ईयर या 2-7 ईयर, किसी एक साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर हम 5 ईयर का निकालेंगे तो 5 ईयर SI इक्वल हो जाएगा 500 इंटू 5, दैट मीन्स 2500 इज, ये हमारा 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम भी है, इंटरेस्ट भी है, हम इससे क्या निकाल देंगे रेट। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल होगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, इसके लिए होगा 6500 माइनस 2500, यहाँ पे आ जाएगा 4000 रुपीस, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। अब रेट फाइंड करने के लिए रेट इक्वल SI 100 प्रिंसिपल इनटू टाइम, SI आया था आपका 2500, 100 प्रिंसिपल 4000 इनटू टाइम 5 ईयर, 120 से 20, 10 से 10, 5 से 25, 5 टाइम 50 आ जाएगा 25 अपॉन 2, That means 12/1/2 और 12.5%, ये हमारा रेट आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कोई सम या कोई धन या कोई भी पैसे 5 ईयर में उसका अमाउंट हो जाता है 6,500 और 7 ईयर में उसका अमाउंट हो जाता है 7,500। तो यहाँ पे दोनों में ईयर में डिफरेंस आ रहा है 2 ईयर्स का डिफरेंस और अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है 1000 का, दैट मीन्स जो दो साल का इंटरेस्ट हो जाएगा वो 1000 होगा। तो हम इस हिसाब से एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 हमारा एक साल का इंटरेस्ट। अब हम या तो 5 ईयर का लेंगे या 7 ईयर का, अगर हम 5 ईयर का लेंगे तो अमाउंट भी हमें 6500 लेना पड़ेगा। 5 ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ईयर के इंटरेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने 5 ईयर का लिया था तो हम अमाउंट भी 6,500 लेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट 6,500 माइनस 2500, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने पर प्रिंसिपल हमारा आ रहा है 4000। अब रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो वैल्यू रखने पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेट परसेंट आ जाएगा 12.5%। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके, इसकी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 1.5 ईयर एट द 7% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 6 मंथ एट 10% पर एनम बाय रुपीज 38.50। फाइंड द सम, हमें वह सम या प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहले लेट्स प्रिंसिपल इज इक्वल एक्स, हम प्रिंसिपल को एक्स मान लेता नहीं है। कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट टाइम इक्वल 1.5 मीन्स 3/2 ईयर एंड रेट इक्वल 7%। सबसे पहले हम इसका एस आई फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल एक्स माना था हमने, रेट 7 इंटू टाइम 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 100। क्या बनेगा, 7 × 3 = 21x/200। ये हमारा एस आई बन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, प्रिंसिपल एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर टाइम 6 मंथ दिया है, वो हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 मीन्स 1/2 ईयर। रेट आपको दिया है 10%, का भी हम ऐसा ही निकालेंगे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। कैलकुलेट करेंगे x इंटू रेट 10 इंटू 1/2 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x अपॉन 20। दोनों कंडीशन में हमने SI फाइंड कर लिया। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी थी, एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट, जो एक्सीड हो जाएगा वो आंसर आएगा 3820। तो एक्सीड हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे माइनस। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 21x - 200 माइनस करेंगे किससे, x अपॉन 20। इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 38.50। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11x/20 = 38.50। जब इसका क्रॉस मल्टी होगा तो x इक्वल 38.50 इंटू 20/11। तो सॉल्व करने के बाद सर आ जाएगा ₹700। प्रिंसिपल हमारा 700 आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।